नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में रीवा सीट के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान शाम 6 बजे तक होने वाला है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई हैं। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में मतदान केंद्र 112 पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि एक वोट के दम पर ही सरकार बनती है और अगर अच्छी सरकार बनती है तो नक्शा बदल देती है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ को मजबूत करने वाला यह चुनाव है, इसलिए सब लोग मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अवश्य मतदान करने आए। आइए सुनाते हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को उनका और क्या कुछ कहना है। पहली बार मतदान किया, क्या मुद्दे थे, क्या सोच के घर से निकली थी? यही कि देश का विकास होना चाहिए और जिसकी भी सरकार बने वो रीवा का विकास करे। रीवा का विकास करे। पहली बार मतदान करते समय कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? सानिया वर्मा। ठीक है, ठीक। मंत्री जी, बीजेपी से पूरा इंडिया अलायंस एक साथ होकर लड़ रहा था, क्या उम्मीदें हैं इस बार बीजेपी के लिए? 400 पार इस बार 400 पार से ज़्यादा एनडीए की सीटें आएंगी, 370 से ज़्यादा भाजपा की सीटें आएंगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। सर, लेकिन फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद जिस तरीके से अपोजिशन ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो सही साबित नहीं होंगे और वो कह रहे हैं कि एक बड़ा चंक ऑफ वोटर्स उनके साथ में गया है। अभी 5 महीने पहले ही चुनाव हुआ था विधानसभा का, यही वो कांग्रेस के लोग थे जो कहते थे मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बाद में फिर जब परिणाम निकला तो आपने देखा कि पहले जो 3 सीटें थी 2018 में उससे भी घट गई कांग्रेस तो के वोट। जमीन से जब कोई पार्टी कोई नेता कट जाते हैं तो उनको धरातल की वास्तविकता समझ में नहीं आती है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप 4 जून का इंतजार करिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद एक बार फिर हिंदू मुस्लिम चालू हो चुका है चुनाव में, तो क्या ये होना चाहिए था? कांग्रेस के सैम पैत्रोदा ने जो बातें कही हैं वो देश की जनता के हित की नहीं है और मनमोहन सिंह जी ने एक बार इस प्रकार की बातें कही थी जो देश को कमज़ोर करने वाली बातें थी और फिर से अमेरिका का उदाहरण देके कि विरासत की जो संपत्ति है उसमें 55% सरकार ले लेगी, यदि वो कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई का संपत्ति अपने पुत्र को देना चाहता है तो सिर्फ 45% ही दे पाएगा, 55% सरकार की हो जाएगी, फिर उसको बांटा जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई और मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश की संपत्ति में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो ये दोनों चीज़ों को यदि आप लिंक करें तो खतरनाक बात है। मोदी जी ने तो हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देखिए उन्होंने जो काम किए हैं, इतनी योजनाएँ बनाई हैं मुसलमान भाइयों के लिए भी बनाई हैं, हिंदुओं के लिए भी बनाई है, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना हो, ये सभी में सभी को बराबरी के साथ मदद की जा रही है। लेकिन ऐसे चुनाव के समय में कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की बातें करना गैर जिम्मेदाराना है और इसकी चारों ओर निंदा हो रही है। ठीक है।